सेंसेक्स और निफ्टी में बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है। इसमें वीकली और मंथली चार्ट सहित कई टाइम फ्रेम पे हायर टॉप और हायर बॉटम पैटर्न बना हुआ है। 21,593 का लाइफ टाइम हाई टच करने के बाद निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। निफ्टी को अपने 20 डे एसएमए पे बड़ा सपोर्ट मिला है। इससे पता चलता है कि मार्केट पे अब भी बुल्स का कंट्रोल है। आरएसआई ने लगातार पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है। ये डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे 65 के ऊपर बना हुआ है। निफ्टी के लिए अगला रेजिस्टेंस लेवल 21,800 पे है, जबकि इसका सपोर्ट 20,760 पे है। ऐसे में मार्केट में नियर टर्म में लगातार तेजी जारी रहने की उम्मीद है। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन से 3 शेयर आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। GEPL कैपिटल के AVP टेक्निकल रिसर्च विद नयन सामंत ने 3 ऐसे स्टॉक्स बताए हैं जो अगले 2 से 3 हफ्तों में ही तगड़ी कमाई करा सकते हैं। सावंत ने जिस शेयर को सबसे पहले चुना है वो है हिंदुस्तान कॉपर। अगर आप इसमें निवेश करते हैं तो 190 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसका टारगेट प्राइस 270 रुपए है। हिंदुस्तान कॉपर के स्टॉक पे दाव लगाने से अगले 2 से 3 हफ्तों में आपको 24% तक मुनाफा मिल सकता है। कंपनी के शेयर अभी अपने 52 हफ्ते के हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इसने मार्च 2023 में स्विंग लो के बाद अपना राइजिंग ट्रेंड जारी रखा है। इस स्टॉक में एक सस्टेन्ड बेस से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है और इसका बेस 2.5 साल तक बना रहा, जो मई 2021 से लेकर के दिसंबर 2023 के बीच था। इसके अलावा RSI रेंज शिफ्ट देखने को मिला है, जिससे इस शेयर में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का पता चलता है। अगले 3 हफ्तों में जो दूसरा शेयर आपको मुनाफा दे सकता है वो है साइंट। अगर इससे मुनाफा बनाना है तो 2207 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना होगा, जबकि इसका टारगेट प्राइस 2579 रुपए है। साइंट के शेयर में दाव लगाने से शॉर्ट टर्म में 11% की कमाई हो सकती है। इस शेयर ने हायर टॉप्स और हायर बॉटम का पैटर्न दिखाया है, इससे इसमें अपवर्ड मोमेंट जारी रहने का पता चलता है। नवंबर 2022 से इस शेयर में तेजी का रुख बना हुआ है। अपवर्ड मोमेंट जारी रहने पर क्लोजिंग वैल्यू के आधार पे 2207 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना सही फैसला है। अगले 2 हफ्तों में तगड़ा रिटर्न देने वाला तीसरा शेयर है अरविंदो फार्मा। इसमें आपको 1,048 रुपए पे स्टॉप लॉस लगाना होगा, जबकि इसका टारगेट प्राइस 1,201 रुपए है। अरविंदो फार्मा के स्टॉक अगले 2 से 3 हफ्तों में 10% तक रिटर्न दे सकते हैं। ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। फरवरी 2023 से इसमें साफ राइजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। इस हफ्ते इस स्टॉक ने अपने पिछले स्विंग हाई से ब्रेकआउट दिखाया। इस दौरान 10 हफ्ते के एवरेज वॉल्यूम में तेजी दिखी है। ये ब्रेकआउट इस स्टॉक की मजबूती के बारे में बताता है। इस स्टॉक में इसके 12 वीक और 26 वीक EMA से ऊपर ट्रेड हो रहा है। ऐसे में अगले 2 से 3 हफ्तों में ये आपको 10% तक का रिटर्न दे सकता है।